रतलाम शहर के थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान पर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं घायल व्यक्ति के साथियों ने बताया कि खाना खाने के बाद वे लोग घूमने गए थे। वहीं कुछ युवकों ने रोककर शराब के पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर युवक को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक हमलावर और घायल व्यक्ति दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उनके बीच रुपए के लेन देन की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे दूसरा युवा घायल हो गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में जानलेवा हमला करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आइए, थाना क्षेत्र के अंदर एक मामला सामने आया हुआ है, जिसके अंदर एक मलिक खान नाम का जो लगभग 23-24 साल का लड़का है, उसके पसली में चाकू मारा हुआ है। आरोपी जो है वो हेमंत करके एक लड़का आ रहा है, जो उसके पहले भी जान पहचान का था, और कुछ पैसों को जो लेकर विवाद होना और उसके बाद में घटनाक्रम कारित होना, ये प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया हुआ है। पुलिस ने 3 साथ का मामला पंजीबद्ध किया है और अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जा रही है। रतलाम से शानू तावर की रिपोर्ट।